गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई एम सुनीता जैन फ्रॉम हेलो किड्स। वेलकम टू हेलो किड्स वेबिनार। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। आई हैव few of my parents from different Hello Kids branches. They are joining me to discuss their experiences, their parenting during lockdown. So I have Mr. Niri and Mrs. Janki. They are from Gujarat. I have Mr. Arvind and Mrs. Swati from Patna. So I would like you people to give your introduction first. So can we start with Mr. Niri and Mrs. Janki? Hello ma'am, my name is Niri Karadi. I am from Godhra. Some network issue, I guess. Is it okay now? No, yeah. Please come again. Yeah. My name is Niri Karadi. I am from Godhra, Gujarat. My daughter's name is Janvi Karadi. She is in LKG Hello Kids Godhra. And my name is Janki Karadi. And same. My daughter is in Hello Kids Godhra. Thank you so much to join us here today. Let's go back to Mr. Arvind and Mrs. Swati. Aap apna introduction dijiye, Arvind and Swati ji. Thank you, ma'am. Myself Arvind Srivastava and my son name is Astitu Srivastava. I study in Hello Kids Astor Patna. Okay. He is 3.5 years old. My name is Swati Srivastava and I am the mother of Astitu Srivastava. Thank you so much ma'am and sir to join us here today. How much? आप लोग हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, हम आपका एक्सपीरियंस इस लॉकडाउन में अपने बच्चे के साथ घर पे क्या एक्सपीरियंस था, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, हम सब उस सब के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। आपने जब हेलो किड्स का ऑनलाइन सेशन अटेंड किया तो आपको उससे क्या हेल्प मिला? सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक आपका बच्चा मिस्टर श्री, मैं ये जान सकती हूँ क्या कि आपका बच्चा कितने साल से हेलो किड्स जा रहा है? आप कब से हेलो किड्स के साथ जुड़े हुए हैं? मिसेस जानकी? ओके, माय डॉटर हैज बीन गोइंग टू हेलो किड्स गोधरा सिंस अ ईयर नाउ। सिंस अ ईयर नाउ। सो लास्ट ईयर शी वाज इन नर्सरी, या, एंड दिस ईयर शी इज इन एलकेजी नाउ। ओके, सो दिस 1920 सेशन आपका एलकेजी का था? नर्सरी का। अभी एलकेजी जाएगी। यस राइट। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था ये एक साल में जब उसने नर्सरी में ज्वाइन किया था हेलो किड्स में, तब आपका और आपके बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा था? वो उससे पहले तो कोई प्री स्कूल जाती थी और हेलो किड्स उसका फर्स्ट प्री स्कूल था? नहीं, हेलो किड्स उसका फर्स्ट प्री स्कूल था एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस बिकॉज़ माय डॉटर वाज नॉट ओके। तो मेरी डॉटर है ना इंट्रोवर्ट बहुत है। She doesn't easily play with her around with everyone, you know. So after Hello Kids, मुझे बहुत ही difference लगा उसमें. Like सबके साथ घुल मिलने लगी and she started catching up more, you know. So the activities and सब बहुत अच्छा था Hello Kids का. And Hello Kids Godhra is really supporting us. तो उसको कितना time लगा जब वो school जाना शुरू की, तो उसने कितना time लगाया school के साथ adjust होने में? Surprisingly, only a month. Only a month. Okay. And वो बहुत ही used to हो गई थी। That's great to know. तो आप लोग को उसमें specially social and emotional वाला जो concept है उसका, कि उसका उसमें आपने development देखा कि वो बाकी बच्चों के साथ अच्छे से खेल रही थी, जो कि पहले नहीं था, right? And activity yeah, right. also she was participating in each and every activity whatever school used to do. So you have seen yeah. a different kind of development in your child. बहुत बहुत ही देखा है मैंने difference. हमारे पास अभी और एक parent हमें join किए जिनका हम wait कर रहे थे because of some technical issue
उनको थोड़ा लेट हुआ हमें ज्वाइन करने में. सो वेलकम मिस्टर गुरजीत एंड मिसेस मीनू टू हेलो दिस वेबिनार. थैंक यू मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या गुरजीत एंड मीनू? आई एम मीनू कुमारी, मदर ऑफ मन्नत एंड शानवी ठाकुर एंड वी आर फॉर पंजाब. हेलो किड्स रोपर. थैंक यू मैम. आप बोलिए सर. गुरजीत सर इंट्रोडक्शन. हेलो मैम. हेलो मैम. गुरजीत सिंह रोपड़ से. ओके आपके दो बच्चे हेलो किड्स जाते हैं ना, एक मन्नत और एक सानवी? हाँ जी मैम. ओके तो दोनों कौन कौन से क्लास में है बताएंगे? क्यों मैम कौन कौन सी क्लास में है? मन्नत अभी LKG में है और जो शानवी है वो नर्सरी में. आप कितने साल से हेलो किड्स के साथ जुड़े हुए मैम? मैम तकरीबन 2.5 साल से. ओके आपका कैसा एक्सपीरियंस था इस 2.5 साल में? आपके बच्चे, आपका फर्स्ट चाइल्ड हैज गॉन टू हेलो किड्स देन योर यंगर. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तभी मैंने ये रिकमेंड किया कि मैं अपने सेकेंड चाइल्ड को भी वहीं डालूं क्योंकि मन्नत बहुत जल्दी जो है वो सबके साथ इंटरेक्ट हो गई थी. इवनली जब हम हमें टीचर्स ने कहा कि बच्चा एडजस्ट होने के लिए कम से कम मतलब 1 मंथ लेता है तभी हो सकता है कि आपको बुलाए और कहें कि बच्चे को आपको घर को ले जाना पड़े, लेकिन हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई. मतलब जब से हमने उसको भेजना स्टार्ट किया तब से एक दिन भी हम मतलब बीच में नहीं गए उसको लेने की. हाँ हमें कॉल आई हो स्कूल से कि आपका बच्चा प्रॉब्लम दे रहा है उसको घर लेके जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. एंड शानवी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, उसने भी मतलब बिल्कुल भी वो नहीं किया कि वो घर से बाहर जा रही है, दूर है हमसे, अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ. थैंक यू सो मच मैम. मैं आपके पास वापस आऊंगी. तो हम मिस्टर निरी एंड मिसेस जानकी से बात कर रहे थे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था हेलो किड्स में जब उनकी बेटी है ना जानवी, यस जानवी यूज्ड टू गो टू हेलो किड्स प्रॉपर इनटू 1920 सेशन. सो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मैम तब आपका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब इंस्टेंटली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ स्कूल बंद हो गया तो आपको कोई डिफिकल्टी कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा उस समय? ओके ऑनेस्टली अगर कहे तो जब जनता कर्फ्यू डिक्लेयर हुआ था 22 मार्च को तभी पता चल गया था कि दिस काइंड ऑफ थिंग ऐसा होने वाला है. तो हमने क्या किया था, जानवी को एक स्टोरी बताई थी अबाउट हेलोविन कोरोना, उसे हेलोविन से बहुत डर लगता है तो वो बहुत ही इजी था हमारे लिए फॉर लॉकडाउन बिकॉज हमने बता दिया था, मोदी दादा ने कहा है बाहर कोरोना हेलोविन है तो बाहर नहीं निकलना है किसी को, तो बहुत इजी था. और वो स्टोरी अब तक चल रही है हमारे घर पे, आज तक वो घर से बाहर नहीं निकली. इट्स बीन 3 months now almost and she's still at home. ओके सो वही मैं इसी क्वेश्चन में आने वाली थी कि आप लोग अपने बच्चों को कोरोना के लिए कैसे समझाया, क्या आपके बच्चे बाहर जाने के लिए डिमांड करते थे कि हमें पार्क जाना है, हमें खेलने जाना है या हमें स्कूल जाना है या कोई इस टाइप का भी डिमांड करते थे क्या? तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना ये पेरेंटिंग टिप हमें दिया कि आपने अपने बच्चों को एक स्टोरी बताया जिसको उसने बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मोदी दादा ने बोला है कि बाहर नहीं जाना है, हेलोविन बाहर है. सो शी हैज एक्सेप्टेड इट वेरी नाइसली. थैंक यू आपके टिप के ऊपर. नाउ आई विल गो बैक टू मिसेस स्वाति एंड मिस्टर अरविंद. स्वाति जी और अरविंद जी आप अपना बताइए कि आपका चाइल्ड कितने साल से हेलो किड्स जा रहा है, आप कब से हेलो किड्स से जुड़े हुए हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक हेलो किड्स एस्टर पटना में आपका बच्चा जाता है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पर? मैम हमारा बेटा लास्ट 1 year से जा रहा है हेलो किड्स और जब हमने इसका फर्स्ट प्री स्कूल है इसका, जब हमने इसका एडमिशन की बात चल रही थी कि अब इसका स्कूलिंग शुरू होनी चाहिए तो हमने बहुत से स्कूल्स का सर्च किया, तब हमें कोई भी आइडिया तब मैम एक्चुअली नहीं था हेलो किड्स का, बट घूमते हुए हम लोग सर्च कर रहे थे तो हम उस साइड गए स्कूल की तरफ तो हमने देखा और हम गए वहाँ पे, जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर थे मिस्टर अमन आनंद
उन्होंने बहुत ही पोलाइटली हम लोग का कन्वर्सेशन हुआ, हमने उनसे जाना कि ये स्कूल कब से है और कहाँ से है, तो उन्होंने सारी डिटेल्स हमसे शेयर की और हम अपने बेटे को भी लेके वहाँ पर गए और उसको उन्होंने स्कूल में पूरा दिखाया। मैम जो हमारी टीचर्स थी वहाँ पे, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया और पूरे स्कूल में इनको दिखाया, तो मेरा बेटा खुद एक्साइटेड हो गया कि नहीं मुझे अब हेलो किड्स ही जाना है। सो हम लोग ने उसका हेलो किड्स में इसलिए एडमिशन कराया। तो फिर अनदर किसी भी स्कूल में वो जाना ही नहीं चाहता था, एक इंक्वायरी के लिए भी हम लोग को नहीं, मम्मा मुझे हेलो किड्स अच्छा लग रहा है मैं हेलो किड्स ही जाऊँगा। तो हम लोग ने भी यही प्रेफर किया कि नहीं, जिसमें बेटा जाना चाहता है, जिसमें वो खुश है, उसी में हम उसको भेजेंगे। तो और वहाँ का मैनेजमेंट था, जो टीचर्स का कोऑपरेशन डायरेक्टर था, उससे हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे मिला, वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो गया, क्योंकि जब तक वो घर में था वो हम ही लोग के साथ ही इंगेज रहता था, वो बाहर नहीं निकलना चाहता था, किसी बच्चे के साथ मिक्स नहीं होता था। बट आफ्टर स्कूलिंग ये बहुत अच्छे से सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, सबके साथ खेलता है, सो बहुत कॉन्फिडेंस भी अब उसमें आया। तो आई एम सो हैप्पी मैम के बच्चे ने अपना वहाँ पे जाने के बाद बहुत तरह तरह के वर्ड सीखा, जो ऐसे वर्ड्स भी बोलना शुरू कर दिया जो नॉर्मल उस 3 साल के बच्चे नहीं बोलते हैं, जो बड़े लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं और बोलते हैं। तो ऐसे भी वहाँ पे हम लोग का एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ जाने से नए नए वर्ड्स और नए नए जानकारियाँ उसको मिली और बहुत फ्रेंडली था, और वहाँ जाने के लिए अभी भी परेशान रहता है कि हमको स्कूल पे जो मम्मी है स्कूल पे जो हम उसको जाना है। यस मैम, तो उसको यही चीज का सोशल डेवलपमेंट हुआ, यस उसका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ, वोकैबुलरी इंक्रीज हुआ। यस इवन अब वो घर पे भी होता है तो वो ट्राई करता है वो इंग्लिश में बात करने के लिए, कोई चीज उसको बोलनी होती है तो वो इंग्लिश में बोलता है, तो जहाँ पे इनकरेक्ट होता है तो मैं उसको बोलती नहीं बेटा इस सेंटेंस को ऐसे बोलना है, तो उस चीज को वो सही भी करता है। मतलब स्कूल से हमें ये बेनिफिट मिला कि बेटा हमारा घर पे भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन हमारे साथ करता है, वो कोशिश कर रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज प्री स्कूल का जो रिक्वायरमेंट है यही है कि बच्चा अपने घर से बाहर जाके अपने एज के बाकी बच्चों के साथ मिलता है, तो एक अलग टाइप का डेवलपमेंट होता है उसमें। दे आर लिसनिंग टू देयर टीचर, दे आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, तो वो जो चीजें हैं वो उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं बच्चों में, और इसीलिए हम बोलते हैं कि 2+ के बाद बच्चों को एक अलग एनवायरमेंट मिलना चाहिए। तो और आपको जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो क्या वो बोलता था कि मुझे स्कूल जाना है? यस मैम, एक्चुअली जब लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ उस समय होली के बाद हमारा लास्ट फाइनल असेसमेंट होना था जो नहीं हो पाया, तो मेरे बेटे को बहुत क्रेज था कि होली फिनिश होगी तो उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, मेरा एग्जाम्स वगैरह होंगे, तो हाँ उसके बाद न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो एकदम से पॉज हो गया। तो वो सोच लगा मम्मा कब स्कूल खुलेगा, तो फिर मैंने बोला बेटा बाहर ना एनवायरमेंट बहुत सारे गंदे वायरस आ गया है, तो मोदी बाबा ने सब कुछ बंद, मोदी बाबा ने कहा कि सबको घर में रहना है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तभी हम लोग अच्छे से रहेंगे। तो कहते मोदी बाबा ने बोला है, तो वो इवन सबको कॉल करके नाना नानी दादी सबको बोलता है नानी मैं इस बार घर नहीं आ पाऊंगा आपके पास, मोदी बाबा ने मना किया है, मैं इस साल नहीं आऊंगा, मैं समर वेकेशन में, मैंने कहा ओके। तो वो उस चीज को समझ रहा है कि अभी बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। जैसे मेरी माँ भी मोतिहारी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ चली गई है, तो बोलती बेटा तुम यहाँ आ जाओ, तो बोलता नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा मुझे कोरोना हो जाएगा कोरोना। तो आप लोगों के बात से और जानकी और निरी के बात से वही पता, कुछ नेटवर्क इशू है थोड़ा बहुत आज, पर कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू। तो हमने अभी जानकी जी से भी सुना और स्वाति से भी सुना कि वहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो इयर्स के जो बच्चे हैं इनका माइंड कितना, व्हाट डू से, कि जो बोलते हैं ब्लैंक पेपर है, आप कुछ भी लिखेंगे
उस चीज वहां पे रह जाएगा. आप लोग जो समझाते हैं बच्चे वो लोग इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हैं. सो दैट इज दिस इज ए प्रूफ फॉर दैट कि 0-2 to 6 इयर्स के बच्चों को आप जो सिखाएंगे वो बहुत जल्दी और इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एडुकेटर्स एंड पेरेंट्स कि हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं, हम उनके मन में क्या लिखना चाहते हैं. तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी टू गुरजीत एंड मीनू जी, उनके पास जाना चाहती हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस था इसके ऊपर कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो आपने इसको कैसे हैंडल किया, आपके दोनों बच्चे जो हेलो किड्स जा रहे थे उनको आपने कैसे हैंडल किया. एक एक मिनट मैम, आप शायद म्यूट हैं. नहीं, आप सुनाई नहीं दे रहा है. जस्ट अ मिनट, आपको अनम्यूट करते हैं. तो माइक कनेक्टेड नहीं है मैम. आपका माइक सर कनेक्टेड नहीं है, एक बार चेक करिए. मैम माइक कनेक्ट है. हाँ, अभी अभी ठीक है मैम, बोलिए. एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम मैं तो मतलब बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए थे, रिजल्ट आ गया था, उसके बाद मैं चली गई थी अपने मायके उनके नाना नानी के घर. तो मैं तो जब लॉकडाउन हुआ तब हिमाचल में थी. ओके, आप अपने बच्चों के साथ वहाँ थे? हाँ जी, मैं वहीं थी और लगभग 1.5 महीना मैं वहीं थी. 1.5 महीना बाद जब वहाँ की गवर्नमेंट ने ये इशू कर दिया कि हाँ आप जा सकते हो, जहाँ से अगर बाहर से कोई आया है तो वो जा सकता है, उसके बाद हम यहाँ वापस आए थे. तो हाँ, बच्चे पूछते थे कि हम कब जाएंगे, इवन तक वो अभी भी पूछते हैं कि स्कूल कब खुलेगा, आप जाकर खोलो स्कूल को, हमें स्कूल जाना है. छोटी और मन्नत भी और बड़ी भी, मतलब शानवी भी, दोनों पूछती हैं. तो हमने उनको यही बताया था कि बाहर अगर बाहर निकलोगे इस टाइम तो बीमार हो जाओगे, लोग बाहर बीमार हो रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ के हॉस्पिटल लेकर जा रही है, तो इसलिए बाहर नहीं निकलना है. तो वो मतलब बाहर नहीं निकलते हैं. तो पीछे हम बुक्स लेने गए थे स्कूल उनकी, तो वो पूछ रहे थे कि मम्मा आप स्कूल गए थे, हमें भी आपके साथ जाना था, आप स्कूल खोल देते ना हमारा. तो बच्चे कितने ईगर हैं टू गो बैक टू देयर स्कूल, तो उतने ही ईगर होंगे जब लॉकडाउन में एक्चुअली क्या हुआ, बच्चों ने कोई प्रॉपर एंडिंग ऑफ स्कूल सेशन हो नहीं पाया कोई भी स्कूल का, ना तो उन्होंने प्रॉपर बाय किया होगा अपने टीचर्स को, ना तो अपने फ्रेंड्स को बाय किया, ना तो उन्हें ये कोई आइडिया था कि हम अपने क्लास में वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे. तो उस टाइम पे हेलो किड्स मैनेजमेंट के तरफ से हमने यही सोचा कि हमें अपने टीचर्स और फ्रेंड्स को, उन बच्चों को अवेलेबल करना चाहिए. अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला था, ऑलमोस्ट अप्रैल एंड मई नॉर्मली समर वेकेशन होता है, बट हमने सोचा कि इस टाइम पे बच्चों को एक टाइप ऑफ सपोर्ट एंड कनेक्शन बहुत जरूरी है अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके लिए हमने वो एक्टिविटी एंड वर्चुअल लर्निंग स्टार्ट कराया था, विच इज मोर ऑफ लाइफ स्किल्स. तो अभी मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी कि जो 1.5-2 months जो एक्टिविटी स्कूल वालों ने वर्चुअली करवाया था, आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप लोगों का क्या राय है कि हुआ तो कैसे हुआ और आपका क्या एक्सपीरियंस था. तो जानकी जी, हम नीरज जी, क्या हम आपसे स्टार्ट कर सकते हैं? एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. पहले तो लगता था कि बच्चों को ये डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि उनको ऐसे हम जैसे बात कर रहे हो बच्चे नहीं बैठ सकते, they can't sit even for 15 minutes. But धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिविटी आती गई उनको इंटरेस्ट आने लगा, धीरे धीरे वो लोग करते रहे, उनको भी मजा आने लगा. तो एक तरह से हमको ऐसा फील हुआ कि नहीं, वेकेशन है पर उनको भी इन सब चीजों से यूज टू करना पड़ेगा और उनको भी मजा आने लगा. साथ में हम लोग भी घर पे थे तो हम भी उनको हेल्प कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे. फिर जो चीज उनके स्कूल में हो रही थी हमको तो पता नहीं, वो 3 hours के लिए स्कूल जाते हैं तो वो अपने आइडियाज भी उसमें कुछ यूज कर रहे थे. तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा, ये जो भी आइडिया था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही काम लग रहा है इवन टुडे. एंड आई वांटेड टू ऐड ऑन दैट के बच्चे, अब आज के बच्चे यू नो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते. तो जब सब यू नो पेरेंट्स जब कहते हैं कि ऑनलाइन सेशन क्यों कराना है, बच्चे बैठता नहीं है, तो आप समझाओ आपके ओर से, यू नो यू आर अ पेरेंट, आप समझा सकते हो. अब बच्चा अगर कार्टून देख रहा है पूरे दिन, मोबाइल, इट्स इम्पॉसिबल कि मोबाइल नहीं यूज कर रहा है, तो अगर ये 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स टीचर आ रही है ऑनलाइन,
तो मुझे लगता है इट्स द बेस्ट थिंग कि वो स्कूल नहीं भूल रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज, होमवर्क, वो यू नो अटैचमेंट है स्कूल के साथ. ये लॉकडाउन पीरियड है बट स्कूल के साथ अटैचमेंट बहुत ही अच्छा है, और टीचर भी थी ऑनलाइन तो उनको बहुत ही अच्छा लगा. लाइक माई डॉटर जानवी वॉज वेरी हैप्पी, वो रोज वेट करती थी अब आज की एक्टिविटी क्या होगी, यू नो एक्साइटमेंट थी. तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा था वर्चुअल लर्निंग. अजय पेरेंट आप दोनों कितना इन्वॉल्व रहते थे उस सब एक्टिविटीज को फिनिश करने के लिए? ओके नाउ लेट अस बी ऑनेस्ट, हमारे घर में लाइक 12 बजे तक क्लास जानवी की खत्म हो जाती थी. तो एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, लाइक इवन जानवीज ग्रैंड पेरेंट्स. द मोमेंट आई गो डाउन, आज क्या एक्टिविटी मिली है जानवी को, हमें इन्वॉल्व होना है या नहीं, यू नो इस तरह का हो गया था. लाइक आज क्या करना है, क्या एवरीवन वाज इन्वॉल्व. अगर वो हैंड प्रिंटिंग था या हाइड एंड सीक वाली एक्टिविटी थी या वो पैर दबाना था, लाइक किचन की एक्टिविटी थी, जानवी भी इक्वली एक्साइटेड और हम दोनों तो थे ही, बट ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो वर इन्वॉल्व. सो इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? एक्टिविटीज वैसे ही प्लान था, क्योंकि जो बोलते हैं कि इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का स्कूल जाने से, जो कि अभी इस टाइम पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि फिजिकल स्कूल तो बच्चे आ नहीं सकते. तो एक्टिविटीज हमने वैसे ही प्लान किया था सो दैट वो अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलके एक कनेक्शन उनके बीच में बना रहे और एक्टिविटीज सब मिलके करें. तो जो चीज वो लोग मिसिंग हो रहा था वो घर पे भी उनको एक टाइप ऑफ इसको मिले. तो द एक्टिविटीज वर प्लान्ड लाइक दैट. तो क्या मैं आप लोगों को पूछ सकती हूँ कि आपका सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या था? जितना भी एक्टिविटी आप लोगों ने करा उसमें से सबसे आपको कौन सा एक्टिविटी पसंद था? ओके आई स्टिल कांट फॉरगेट दैट डे जब हाइड एंड सीक वाला एक्टिविटी दिया था. लाइक आई कुडंट बिलीव, आई हैव नेवर सीन माय फादर इन लॉ एंड माय मदर इन लॉ सो एक्टिव. दे वर लिटरली हाइडिंग इन द स्टोर, वन इज हाइडिंग इन द किचन, एंड यू नो सब बच्चे बन गए थे उस हाइड एंड सीक वाली एक्टिविटी में. तो वो बहुत ही अच्छा था. दैट वाज द बेस्ट एक्टिविटी सो फार. थैंक यू सो मच जानकी जी, निधि जी. फादर नीरज जी आप बताएंगे कि आपका क्या सबसे फेवरेट एक्टिविटी था? एक्चुअली मेरा भी हाइड एंड सीक ही था, बिकॉज ऑन दैट डे हमने बहुत एंजॉय किया था. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, पर वी एंजॉयड अ लॉट ऑन दैट डे. ठीक, मैं अभी स्वाति जी के पास जाना चाहूंगी. स्वाति जी आप ये बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस था लॉकडाउन के दौरान, जो एक्टिविटीज हो रहा था हेलो किड्स की तरफ से, वो सब जो एक्टिविटीज आप अपने बच्चों के साथ कर रहे थे, तो आपका आपके बच्चे का क्या एक्सपीरियंस था? मैम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग का. मेरे बच्चे ने बहुत एक्साइटेड रहता था नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए. आज जो एक्टिविटी मिली वो तुरंत जैसे ही सेशन ओवर होता था होम लर्निंग का, देन वो चलो चलो मम्मा आज मुझको ये एक्टिविटी करनी है, जल्दी करो चल के, और जल्दी से मेरी पिक्स लो, मेरा वीडियो बनाओ, सर के साथ शेयर करो. वो खुद भी बहुत एक्साइटेड था और हम लोग को भी उतने ही एंजॉय करके उस एक्टिविटी को उसके साथ करते थे. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. इससे बच्चे का इंटेलेक्चुअल और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ. बच्चा वो जितनी भी एक्टिविटीज थी, होम चोर था, स्क्रीन टाइम, पैटर्न प्ले को मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. किस तरह से नंबर्स को और अल्फाबेट्स को हमने अरेंज करके उसको फ्लोर पे बना के उसको सिखाया. पैटर्न प्ले उसे बहुत अच्छा लगा. एंड जो आपका जो थर्सडे को फोक फिटनेस होता था उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है. यार इवन जब सेशन ओवर होता था वो फिर से दोबारा सेशन को अटेंड करके वो डांस करता है. उसको डांस का बहुत क्रेज है मैम. सो हम लोग को भी इन्वॉल्व करता है उस चीज में. मम्मा आओ मेरे साथ डांस करो, ऐसे करना है, मैम देखो क्या बता रही है. आप लोग अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. हमारे जो ऑडियंस हैं वो लोग भी ये सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं. तो वही है कि हमने जो भी एक्टिविटीज हुआ मेनली इट्स बिकॉज रीजन यही था कि किड्स का एंगेजमेंट घर पे होता रहे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में. क्योंकि हमें पता है कि छुट्टियों में मम्मी पापा घर के दादा दादी वो लोग अपने बच्चों को अच्छे खासा एंगेज करके रखते हैं, लेकिन इस टाइम पे हम चाहते थे कि स्कूल के तरफ से
उनको कुछ एक्टिविटी मिलता रहे, सो दैट एक पेरेंट को भी पता है कि आज हमें अपने बच्चों के साथ क्या करना है. अदरवाइज एवरी डे टू थिंक अबाउट अ न्यू एक्टिविटी फॉर ए पेरेंट, जो वहाँ पे वो लोग भी बहुत बिजी हैं अपने दूसरे काम के साथ, अपने घर के काम के साथ, ऑफिस के काम के साथ, उस टाइम पे जब स्कूल बताता है कि आपको ये आज कराना है, तो इट इजी फॉर द पेरेंट्स कि वो लोग अपने ये एक्टिविटी को आज हमें दिन में खत्म करना है. तो हमारा मोटिव वही था कि बच्चों को एंगेज रखना है, टीचर्स और बच्चे में कनेक्टिविटी बना रहे, फ्रेंड्स बच्चे और उनके फ्रेंड्स में कनेक्टिविटी बना रहे. तो मीनू मैम, आप अपना बताएंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस था लॉकडाउन के दौरान. आप जो बाहर गए थे, हिमाचल गए थे बोल रहे थे, आप वहां से एक्टिविटी अटेंड करते थे कि नहीं कर पा रहे थे? मैम, कनेक्शन में तो प्रॉब्लम थी वहां पर, क्योंकि वहां पर अगर जरा सा भी एटमॉस्फेयर खराब हो गया तो कनेक्शन वीक हो जाता था. बट फिर भी क्लासेस हो रही थी और बच्चे एक्साइटेड थे, और उसको पता था कि जो शानवी है, मतलब जो नर्सरी की क्लास है, वो 11:40 भी होती है. तो पहले शानवी फिर मन्नत, तो उनको पता था, एक दूसरे को अपनी क्लास अटेंड नहीं करने देते थे कि हाँ शानवी अब मेरी क्लास है, मन्नत बोलती थी अब मेरी क्लास है तो तू नहीं आएगी. वो एक्साइटेड थे. मैं अपनी मैम से खुद बात कर, तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे वर्चुअल लर्निंग को अटेंड करने के लिए, जान के हमें बहुत खुशी हो रहा है. क्योंकि हम जो मैनेजमेंट एक जगह बैठते हैं, तो एट द एंड कस्टमर जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उनका बच्चे एक्साइटेड हैं या नहीं है, बच्चे एक जगह बैठ रहे नहीं बैठ रहे हैं, वो सब हमें डायरेक्ट आप लोगों से जानने का मौका मिल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस. तो हम लोग अपने, जैसे मैंने आपको पूछा था जानकी जी, क्या मैं स्वाति जी और अरविंद जी को पूछ सकती हूँ कि आपका फेवरेट एक्टिविटी क्या था इस लॉकडाउन के दौरान? आपका आवाज नहीं आ रहा है अरविंद जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है. आपका आवाज नहीं आ रहा, आई थिंक आप म्यूट हैं, उसको अनम्यूट करिए पहले. हेलो, स्वाति आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है. मैं सर बोलिए, आपका सबसे फेवरेट एक्टिविटी कौन सा था जब हम लॉकडाउन के दौरान करते थे? कि बच्चे को ना शर्ट के बटन बंद करने के लिए प्रैक्टिस कराने का एक सेशन था, वो दिया गया था. तो वो शर्ट का बटन प्रॉपर्ली अभी भी ठीक से नहीं बंद कर पाता है या खोल पाता है, तो वो एक्टिविटी मुझे सबसे अच्छी लगी, जो शर्ट का बटन खोलना फिर शर्ट का बटन लगाना, वो वाली एक्टिविटी. ओके, और कोई आप शेयर करना चाहेंगे? यस, हमको पैटर्न प्ले और होम चोर एक्टिविटी, यूटेंसिल्स जो वॉश करने का था, उससे मेरा बच्चा इतना रिस्पांसिबल हुआ कि वो डेली उसे लगा, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर वो बोलता था नो मम्मा मैं खुद वॉश करूंगी अपना प्लेट अपना बाउल. तो मैंने कहा ओके ओके, तो कहता नहीं नहीं सर ने बोला है रेगुलर करना है इस चीज को. मैंने कहा तो वो एक इंडिपेंडेंट बना है. तो ये हमारे जो वर्चुअल क्लासेस हम लोग की हुई वो बहुत ही अच्छी रही, हमारे लिए बेनिफिशियल रहा ये टाइम पीरियड, क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी हुए इंडिपेंडेंट भी बने हुए. और सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कि ये था बेनिफिट हमारा कि हम लोग बच्चे को टीचर्स और डायरेक्टर से इंटरेक्ट कर पाए बच्चे, क्योंकि गैप हो गया था, बहुत टाइम हो गया था, टीचर से नहीं मिले थे, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिले थे. जब ये हमारी होम लर्निंग क्लासेस शुरू हुई तो बहुत एक्साइटेड, वाओ मैम से मिला, बहुत खुश हुए, अरे मेरी सीमा मैम, मेरी प्रतिमा मैम, मेरे अमन सर, मेरे फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगा. तो बच्चों को लगा कि वाकई में हम टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स ने हमको भूला नहीं है, सबको बहुत अच्छे से बहुत बहुत अच्छा लगा मैम ये सेशन, हम लोग को बहुत अच्छा लगा पेरेंट्स को, एज अ पेरेंट बहुत इम्प्रेसिव था. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मीनू जी आप कुछ ऐड करेंगे अपना? मोस्ट वेलकम मैम. मीनू जी आपका कौन सा एक्टिविटी सबसे फेवरेट था, कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस मैम बिल्कुल, जो आपने उनको लूडो सांप सीढ़ी वगैरह खेलने को जब कहा था, वो एक्टिविटी दी थी बच्चों को, तो उस टाइम सब मतलब घर में जितने भी मेंबर्स थे सबने बहुत ही इंजॉय किया था उस चीज को. और हाइड एंड सीक भी सेम, सब बच्चे बन गए थे, मतलब सब हम तो सब छत पे चले गए थे और छत पे खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो वो ढूंढ रहे थे मतलब सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके, तो सबने एंजॉय किया बहुत अच्छे से.
और एक zigzag बनाने के लिए जब जो दिया था आपने एक्टिविटी, तो zigzag में वो भी अच्छा था क्योंकि उसमें बच्चे उसको enjoy भी कर रहे थे, jumping because बच्चों को वैसे भी करना बहुत पसंद होती है, और उसमें jumping भी हो रहा था, उसमें बच्चे counting भी सीख रहे थे, ABC भी हो रही थी, मतलब ऑल राउंड अगर बोलें तो हाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी हो रही थी उस एक्टिविटी के दौरान, तो अच्छा था। वही आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे कि सारा जो भी एक्टिविटी हमने कराया कोई आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटी नहीं था, ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज ही हैं, जो कि शर्ट का बटन बंद करना हो या बर्तन धोना हो, झाड़ू पोछा करना हो या मम्मी का हेल्प करना है, सब नॉर्मल चीजें हैं। बट जब कहीं से टीचर जब कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती है बच्चों को, तो उसका इफेक्ट बच्चों में एक अलग आता है। अदरवाइज वी ऑल्सो नो कि लूडो खेलना है, स्नेक्स एंड लैडर खेलना है, सब नॉर्मल एक्टिविटीज थे, सब नॉर्मल प्ले एंड गेम्स था, हाइड एंड सीक हो या जो भी हो। बट बच्चे जो होते हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मम्मी पापा से ज्यादा एक टीचर या अपने जो गुरु होता है उनका बात ज्यादा सुनते हैं। यस मैम, है ना, वी ऑल एग्री विद मी। यस मैम, वो कहते थे कि मैम ने आज ये होमवर्क दिया है तो हमें ये होमवर्क करना है, जैसे वो आइसक्रीम बनाना, बैठो लूडो खेल लो जल्दी से, आपके दोनों बच्चे नहीं बैठेंगे। बट जब ऊपर से स्कूल से आ गया कि आज लूडो खेलना है, तो दे ऑल आर एक्साइटेड कि आज तो लूडो खेलना है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस कि जब स्कूल के तरफ से कुछ आता है और पेरेंट्स घर में मम्मी पापा सब है, सब उनके साथ 24 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा है, बट स्टिल जब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में जब उनके टीचर से कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो किड्स आर मोर एक्साइटेड, तो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं टू फिनिश दैट एक्टिविटी। तो वही हमारा एम्बिशन और हमारा टारगेट था कि हम बच्चों को एंगेज रखें। आप भी अभी आजकल जो डिस्कशंस चल रहे हैं कि वर्चुअल लर्निंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए फॉर द कमिंग सेशन, फीस को लेके, वर्चुअल लर्निंग को लेके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेके, स्क्रीन टाइमिंग को लेके, उस सब के बारे में आप लोगों का क्या क्या ओपिनियन है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि ये वर्चुअल लर्निंग कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर तो क्या हमारे पास दूसरा कोई सलूशन है। एज ए पेरेंट मैं आप लोगों का ओपिनियन इसके बारे में जानना चाहूंगी। सो स्वाति जी आपसे स्टार्ट करते हैं। अरविंद जी, स्वाति जी। यस मैम, एक्चुअली जैसे हम लोग जानते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, मेडिकल साइंस का है ये, कि बच्चों का 60% ग्रोथ है उनकी 5 से 6 इयर्स में हो जाती है। सो अगर इस टाइम पीरियड में जो इस समय जो हमारी कंडीशन है कंट्री की, उस समय अगर हम लोग बच्चों की स्टडीज के क्लासेस में गैप कर देंगे, तो उनका जो डेवलपमेंट है एक वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं। अगर हम क्योंकि कुछ पेरेंट्स का होता है कहना कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, 3 इयर्स का है, अगर इस साल नहीं कंटिन्यू करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट सेशन में उसको आगे कंटिन्यू करवा देंगे। तो वो जो 1 या 6 मंथ्स का या 1 ईयर का जो बच्चे का गैप हो गया, उस चीज को आप कितना भी कोशिश कर ले, आप घर पे रह के नहीं कर सकते। एक वो एटमोसफियर बच्चे को नहीं मिलता जो स्कूल में मिलता है, इसलिए हम ई लर्निंग के फेवर में है, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज के लिए। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर हमने 1 साल गैप करा दिया बच्चे को, अब वो 5-6 मंथ ईयर का हो गया बच्चा, अब उसको हम नर्सरी में एडमिशन करवाएंगे तो वो खुद भी बहुत अनसिक्योर फील करेगा छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि वो 5 या 6 इयर्स का हो गया, अब वो एनसी या एलकेजी में गया है, तो वो उससे छोटे बच्चे, तो वो बहुत अनसिक्योर फील करेगा अपने आप को, वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर ई लर्निंग के थ्रू बच्चों की क्लास अगर कंटिन्यू हो रही है, बच्चे टीचर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो हमें लगता है ये मैम बहुत अच्छा है बच्चों के मेंटल ग्रोथ के लिए भी, उनके मेंटल सोशल ग्रोथ दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। थैंक यू फॉर पॉजिटिव फीडबैक कि आप लोग सोच रहे हैं कि वर्चुअल लर्निंग कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मैं आपसे भी जानकी जी, मेरी जी, आपसे भी आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ओके श्योर, हमें भी ऐसा ही लगता है, वर्चुअल लर्निंग शुड बी देयर, क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो अब यू नो जब समर कैंप और जो वेकेशन की एक्टिविटीज थी, तब वो जानवी को पता चल गया है कि ये रूटीन है अब, तो अब जब सब बंद है तो अगर वर्चुअल लर्निंग का ऑप्शन है हमारे पास तो क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट 6 इयर्स ऑफ अ चाइल्ड ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो प्री स्कूल है वो बेस्ट ईयर है, यू नो
द फर्स्ट ईयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो अपर स्कूल में लाइक प्राइमरी स्कूल में क्या करेगा बच्चा. तो अगर आप ये साल कहोगे कि नहीं 6 months चलेगा, 1 साल हम नहीं करवाएंगे तो चलेगा, तो वो 1 साल पूरा बर्बाद हो जा रहा है हमारे बच्चे का. तो वो आई डोंट नो व्हाई सम पेरेंट्स वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है. और अगर वर्चुअल लर्निंग है तो व्हाई नॉट सपोर्ट द स्कूल. एंड हम फ्रॉम यू नो कमिंग फ्रॉम हेलो किड्स फैमिली, वी आर बीइंग पार्ट ऑफ हेलो किड्स, बहुत ही हैप्पी है कि आप लोगों ने ये वर्चुअल लर्निंग शुरू किया है और कंटिन्यू भी कर रहे हो. एंड प्लीज गो अहेड एंड जस्ट कंटिन्यू टिल द लॉकडाउन ओपन्स. थैंक यू सो मच. क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं है कि लॉकडाउन और ये सब कोरोना कब तक चलेगा, COVID-19, तो हम इसको कहीं पे भी स्टॉप नहीं कर सकते. अगर हमें पता होता है कि July 1st से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो एज ए पेरेंट एडुकेटर हम सोच सकते हैं कि हाँ 1 महीना कोई बात नहीं, हम 1 महीने के बाद स्कूल स्टार्ट करेंगे. बट किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कब तक चलेगा. तो इसीलिए हम इसके ऊपर बहुत एफर्ट डाल के जो सिलेबस है सब प्लान कर रहे हैं, जो कि वर्चुअल लर्निंग के लिए सुटेबल हो, जो एज अप्रोप्रिएट हो. 3 साल के बच्चे को 3 साल के उम्र का एक्टिविटी मिले, 4 इयर्स को 4 इयर्स का एक्टिविटी मिले. पहले जो हमने लॉकडाउन में मोर ऑफ लाइफ स्किल्स कराया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराया, अभी भी वही होगा. बट उसके साथ कुछ एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो बच्चों का थोड़ा बहुत है वो भी साइमल्टेनियसली चलते रहे, ताकि उनको कोई कनेक्शन छूटे नहीं. आफ्टर 6 months स्कूल खुलता भी है, 4 months स्कूल खुलता भी, तो कोई गैप फिल ना हो, वही इंटेंशन है इसके ऊपर. तो मीना आपका क्या राय है इसके ऊपर कि वर्चुअल लर्निंग चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए तो क्या सलूशन है? नहीं मैम, मेरे ख्याल से भी वर्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए. क्योंकि पहला तो यही है कि इस टाइम वेस्ट हो रहा है. अगर आप अभी बच्चे को छोड़ दोगे तो वो टाइम बाद में आप उसको पिक नहीं कर पाओगे. और सेकंड तो ये कि आप अपने बच्चे को अपना फोन दे देते हो कि वो यूट्यूब पे जाकर वीडियोस देख ले या गेम्स खेल ले. उससे अच्छा ये है कि वो अपनी क्लास अटेंड कर ले, उससे सीख ले. और इंटरनेट मतलब हम बोलते हैं कि इंटरनेट के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. अच्छा है कि अगर आप नुकसान के बजाय उससे फायदा ले लो. तो ई लर्निंग कोई बुरी नहीं है, वर्चुअल लर्निंग होनी चाहिए कंटिन्यू. तो आपके आप जो कर रहे हो ये अच्छा है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए. थैंक यू सो मच. एक्चुअली हमें भी इस वर्चुअल लर्निंग के लिए हमारे टीचर्स को ट्रेन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग भी कभी ऑनलाइन टीचिंग और वर्चुअल टीचिंग नहीं किए हैं. दे आर ऑल्सो वेरी मच कम्फर्टेबल कि बच्चों के साथ क्लासरूम के अंदर पढ़ाने में वो लोग एक्सपर्ट हैं या कम्फर्टेबल हैं. और जब वो वर्चुअल लर्निंग में आता है तो उनको भी ये टेक्नोलॉजी सब सीखना पड़ रहा है, कैसे ये ऐप यूज करना है, कैसे बच्चों को एंगेज रखना है. तो इट्स ए टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर द टीचर्स ऑल्सो. तो जो हम बात कर रहे थे कि अडेप्टेबिलिटी जो होता है बच्चों के साथ, बच्चे जैसे आप लोग बोले बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं चीजों को. आपने अपना 2-4 एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन्होंने कोरोना को फटाफट एक्सेप्ट कर लिया, कि पहले पहले 2-4 दिन उन लोग वर्चुअल लर्निंग को भी बैठ नहीं रहे होंगे, एक जगह पे इधर उधर हो रहे होंगे, बट ग्रेजुअली 2-4 दिन में वो लोग यूज टू हो गए. तो टीचर्स भी सेम चीजों से फेस कर रहे हैं, वो लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लोग भी अपना सब चीजों को सेटिंग करने का कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज अभी तो उनको बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी हैंडल करना है, क्योंकि सब बच्चों तो गिव देयर 100% टू द लर्निंग. एज ए मैनेजमेंट वी आर ट्राइंग आवर हार्ड टू गिव आवर 100% टू मेक द अप्रोप्रिएट सिलेबस और करिकुलम फॉर दीज स्टूडेंट्स. और हम आप जैसे पेरेंट्स से भी वही उम्मीद करते हैं कि आप अपना 100% कोऑपरेशन दीजिए अपने बच्चों को, सो दैट वो लोग अपने क्लासेस को अच्छे से अटेंड करें, एक एंगेजमेंट उनका बनता रहे. और जो भी एक्टिविटी मिलता है घर में थोड़ा बहुत, क्योंकि घर पे वो लोग हैं तो आपको भी कुछ एक्टिविटी तो कराना ही है. तो स्कूल वाला एक्टिविटी कराएंगे तो आपको भी एक डायरेक्शन मिलेगा कि आज कौन सा एक्टिविटी कराना है, आज कौन सा पेज कराना है, कौन सा शीट्स कराना है. तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. तो हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं कि आप लोगों को जैसे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करते हैं, जो सारे नए डेवलपमेंट और जो भी हो रहा है हेलो किड्स के तरफ से हो या इंडस्ट्री में हो, उसको
अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू. तो आप अपने तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे जो ऑडियंस हैं अभी, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, दूसरे ब्रांच के ओनर्स हैं, अदर चाहेंगे ऑन पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग और वर्चुअल लर्निंग. सो जानकी जी, नीरज जी, क्या हम आपसे शुरू करें? एक बात आप समझ के चल लीजिए, जब तक स्कूल ओपन नहीं हो रहा, यू हैव नो वे आउट कि आप बच्चों किसी और तरीके से पढ़ाए. सो जो भी वर्चुअल लर्निंग हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप पार्ट लीजिए. 30-45 मिनट का ही सेशन हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है. जो समर एक्टिविटी हो रही उसी टाइप का है, बच्चे को भी सीखने को मिलेगा, उसके बाद का 1-2 आवर आप उसके पास स्पेंड कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों. कोई नेटवर्क इश्यू है लग रहा है. हाँ बोलिए मैम. यार मुझे ऐड करना था कि अगर हमारे किड्स कार्टून और सब देख ही रहे हैं तो वर्चुअल लर्निंग क्या बुराई है 30 मिनट्स में? मुझे नहीं लगता कि वो बुराई, इनफैक्ट वो पॉजिटिवली. अगर हेलो किड्स मैनेजमेंट इसको बढ़ाते मैम. हेलो कैन यू हियर? थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पॉइंट. आपने बहुत सी बात कही कि जब बच्चे टीवी, मोबाइल, कार्टून सब देख रहे हैं तो वर्चुअल लर्निंग में क्या बुराई है जो हाफ आवर से 45 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर का सेशन हो जिसमें बच्चा कुछ सीख रहा है. बच्चा अपने टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, पेरेंट को एक डायरेक्शन मिल रहा है कि हमें क्या कराना है बच्चों के साथ. और हमारे ब्रांच में यहाँ पे हेलो किड्स गोधरा में यू कांट बिलीव दैट माय चाइल्ड एक ही वीक में नई टीचर से भी अडॉप्ट हो गई है. इतना अच्छा है जो हमारे मौलिक सर और गोपी मैम है हेलो किड्स गोधरा के. देखे इन्वॉल्व विद ईच एंड एवरी चाइल्ड. अगर ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं लाइक नर्सरी की अल्फी मैम थी वो तो मेरी बच्ची बहुत ही यूजफुल थी उनके साथ. पूरा समर वेकेशन सब एक्टिविटीज उनके साथ की. फिर जब फर्स्ट जून आया तो हमारे ब्रांच ने शुरू कर दिया द न्यू 2021 सेशन. तो उसमें नई जो न्यू मैम आई उनकी एलकेजी की, उसके साथ भी मेरी बच्ची अब यूज टू हो गई है. तो थैंक्स टू द ब्रांच के वो लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और द हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस देमसेल्फ दे अटेंड द लाइव सेशन. वो लोग भी हमारे किड्स के साथ यू नो सबके लिए पहला सबके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि दे आर यूज टू ऑल दिस, द टीचर्स, द ओनर्स ऑफ दोज ब्रांचेस. हमारे लिए, हम सबके लिए पहला एक्सपीरियंस है. किसी को पता नहीं था COVID-19 करके कुछ आने वाला है, कितना दिन चलेगा अभी भी पता नहीं है. तो हम हमारा बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं. आप जो बोले आपकी बच्ची नए टीचर्स के साथ भी एडजस्ट हो गई है. एक्चुअली हमें एज ए पेरेंट इस चीज को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि बच्चा रेडी है, आप एज ए पेरेंट रेडी है कि नहीं. बच्चों को आप जो सिखाएंगे, जैसे बोलेंगे, वो एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता में यूज्ड टू हो जाएगा. बट एज ए पेरेंट हमें अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करना है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं. तो स्वाति जी, अरविंद जी, आप बताइए कि आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे बिफोर वी फिनिश आवर सेशन. उनका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है लग रहा है, तो तब तक हम मीनू जी के पास चलते हैं. मीनू जी आप बताइए, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपने तरफ से? यस मैम, जो एक्टिविटीज आप करवा रहे हैं सभी बहुत अच्छी हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें, फैमिली के सभी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं सब एक्टिविटी. मतलब बच्चा खुद सीख रहा है कि उसको अपनी क्लीनिंग कैसे करनी है, अपने क्लोथ्स कैसे उसको एडजस्ट करके रखने हैं,
वो सीख रहा है, हर चीज धीरे धीरे सीख रहा है, तो वो ये चीज होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। और यही है, लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी उसमें जो करिकुलर एक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी इन्वॉल्व कर ली जाए, उसको भी देख लिया जाए साइड में, तो मतलब दो बच्चे का जो राइटिंग का और जो ये दूसरा एक्टिविटीज का सेशन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा साथ में। तो भी इस बार आपको 2021 सेशन में वो भी होगा जो हमने समर वेकेशन में कराया, वो मोर ऑफ लाइफ स्किल्स एंड लाइफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर कराया, क्योंकि उस समय इनका सेशन खत्म हो रखा था, बच्चे इस ऑनलाइन लर्निंग वर्चुअल लर्निंग से यूज्ड टू हो जाए। अभी जो 2021 सेशन में जो आपके पास करिकुलम्स जाएंगे उसमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड भी होगा, जिसमें आपका अल्फाबेट हुआ, नंबर्स हुआ या कुछ भी, अलोंग विद दिस एक्टिविटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज होंगे जो हम कवर करना चाहेंगे। ओब्वियसली प्ले स्कूल जो है वो बच्चों के लिए उनका फेवरेट प्लेस है, कि वो वहाँ पे आते हैं, खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। बट अभी इस टाइम पे जब उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, इससे अच्छा सोल्यूशन हमें कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इसी तरीके से अपने बच्चे के पास पहुंचना है जो सेफ है, क्योंकि सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी ऑफ ऑल द टीचर, सबका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। और इस सेफ्टी के साथ साथ हम कैसे लर्निंग को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, उसी चीज को दिमाग में रख के हम अपना प्लानिंग कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे सारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एंड जो टीचर्स हैं वो लोग जब एक्टिविटी कर रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द करिकुलम दे आर गेटिंग एंड दे आर गिविंग देयर 100% कि हम अपना अच्छा अपने बच्चों को दे सकें। सो थैंक यू मच। आई थिंक स्वाति जी का कोई नेटवर्क इशू है, सो हमें वापस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। स्वाति जी आप हैं क्या इधर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? थैंक यू सो मच जानकी जी, श्री जी, मीनू जी, गुरमीत जी, आप हमें ज्वाइन करिए। स्वाति जी एंड अरविंद जी आप हमें ज्वाइन किए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू मैम, थैंक यू, हैव ए गुड डे। थैंक यू। Thank you.